इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वेडिंग्स जो है वो हमेशा इंडिया का एक ट्रेडिशन रही है एंड फेयरफील्ड बाय मैरियट ने जो तो गार्डन्स लॉन्च किया है आई थिंक इट विल बी ग्रेट फन इट लुक्स लाइक अ बिग गुड लॉन कुछ आएगी आवाज आएगी कुछ आवाज इसके बीच में देखो ये होता है शादी में कि किसी को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है और सब मजे करते हैं तो आज भी वही होने वाला है देयर इज म्यूजिक इनसाइड बाहर आपका वेलकम इतना अच्छा है सो आई थिंक फेयरफील्ड बाय मैरियट हैज़ कम अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग द गार्डन्स तो अगर आप शादी करना चाहते हैं या कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्लेस फ्रेंड्स गए हैं लेकिन आज हम बिग बॉस की बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक सभी बहुत अच्छा अभी तो शुरू ही हुआ है यार देखते हैं आई होप अंकिता विंसेंट नील भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो बोलना बहुत मुश्किल है बट आई होप ही दे गिव इट थैंक यू यार आई लव माई टेलीविजन फ्रेटर्निटी एंड आई वुड ऑलवेज सपोर्ट देम थैंक यू थैंक यू ये बाजू रहा ये अरे बाजू हटना मैं आती रहती हूँ यहाँ पे और कनिका ने मुझे इनवाइट किया है सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मैम सामने जाना था कि आप तो पहली बार बहुत खूबसूरत लग रही हैं थैंक यू सो मच सो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है आपको अभी तो मैं चिल कर रही हूँ यार अभी अभी मेरा शो खत्म हुआ है सो आई एम एंजॉयिंग मैं बहुत सारे एड शूट्स कर रही हूँ अभी मैंने जैगुआर के लिए एड शूट किया सो बहुत सारा ऐसा चल रहा है सो इट्स गुड मनी एंड एवरीथिंग इज नाइस सो आई एम एंजॉयिंग थैंक यू थैंक यू मुनावर शुरवे आपको शादी होने वाली है वेरी सून एंड हम इंस्पिरेशन लेने आए हैं डेकोर देखने आए हैं एंड देन क्या क्या जो भी हैपनिंग हो रहा है जो भी इन ट्रेंड है वो पता चलेगा अब सो इसीलिए मेन इंटेंशन तो वो था अलोंग विद एंजॉयिंग द इवनिंग अंदर जाने के लिए मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है मुझे देखना है वहाँ पे क्या क्या है काफ़ी सारे काउंटर्स है काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जल्दी से जाने के लिए हाँ अरे फर्स्ट टाइम है मेरा वीडियो के सामने सो या एक्साइटेड टू बी योर और आप मेकिंग श्योर कि क्या कर सकते हैं वेडिंग के लिए और गेटिंग टिप्स एंड लेट्स सी अब तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि शादी प्लान करना इतना टायरिंग होता है तो उसके बीच में अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट चाहूँ तो भी नहीं पिकअप कर पाऊंगी मैंने पहले सोचा था कुछ अच्छा आएगा तो कर लूँगी पिकअप तो आई थिंक नाउ आफ्टर शादी ओनली करेंगे आराम से मैं बिग बॉस की फैन हूँ मैं बचपन से बिग बॉस की फैन हूँ हम दोनों बैठ के देखते हैं बिग बॉस जब भी एंड आई तो लव रियलिटी शोज में सब
मुझे ना मुनव्वर अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उसका पहले देखा था ना. अंकिता लोखंडे भी है काफी. अंकिता लोखंडे भी मुझे काफी पसंद आ रही है. शी इज वेरी लविंग एंड शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी गुड फ्रेंड. तो अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये माहौल हो गया. अदरवाइज आई डोंट थिंक. मैं टीवी की तरफ से बात कर रही हूँ. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई दिखा रहा है कि अरे हम एक्टर्स हैं, हम टीवी से हैं. तो पर्सनली मुझे पर्पसली ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं लग रहा है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही लग रही हैं सब. अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करेंगे? मैं नच बलिए बिकॉज सिंस ही इज नच बलिए. लास्टली मैम जाना चाहेंगे, आई नो इस बात में आपका काफी अच्छा रोल रहा है, काफी गुड फ्रेंड बने आपके. सो हम ये जानना चाहेंगे आपके यू नो वेडिंग में बकेट लिस्ट में कौन कौन इनवाइटेड रहेगा? वेडिंग में सब इनवाइटेड हैं. वो तो सारे मानसी, सुरभि, श्रेणु, मृणाल, ये सब सारे मेरे ब्राइड्समेड रहने वाले हैं. कबूल में भी आप थे? हाँ जी हाँ जी. तो सब सब एवरीबॉडी इज इनवाइटेड अब. थैंक यू मैम. थैंक यू. म्यूजिक बंद है. लुक सेंटर एक बार आ हो जाएगा. अरे बात तो विजुअल्स कर लेने दे प्लीज. अरे भाई विजुअल ले लिया आप लोगों ने. चलो कम कम लुक करवाता हूं. सॉरी मैम. ओके सो मैम द ग्रैंड लॉन्च हो रहा है वेडिंग गार्डन. सो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहां पर? अरे आप ही यहां पर है. आई थिंक जो पिछला वाला फेयरफील्ड बाय मैरिट गार्डन्स का लॉन्च हुआ था उसमें भी मैं थी एंड आई एम सो ग्लैड आई एम हियर ऑल्सो फेयरफील्ड बाय मैरिट गार्डन्स लॉन्च में. एंड वेडिंग सीजन आ रहा है. आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड टू वेडिंग्स ऑल माई लाइफ. मेरे सारे फ्रेंड्स की वेडिंग्स हो या पहले आई यूज टू वर्क इन द वेडिंग इंडस्ट्री बिफोर. सो या इट्स जस्ट एक्साइटिंग टू बी हियर एंड गेट टू सी ऑल ऑफ दैट. Whatever takes, जो भी बहुत मेहनत जाती है एक इवेंट को पुल ऑफ करने में. एंड आई थिंक दे हैव डन सच अ गुड जॉब एंड आई होप वी आर एबल टू प्रमोट दिस एंड पीपल हैव दे आर वंडरफुल फॉर एवर आफ्टर हियर. मैम आपसे जानना चाहेंगे रियलिटी शो आ रहा है बिग बॉस जिसमें आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड ऐश्वर्या भी नजर आ रही है, उनकी गेम प्लान कैसे लग रही है? ऐश्वर्या को गेम प्लान की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक गेम प्लान है. आई थिंक शी जस्ट हैज टू रिएक्ट एंड बी हरसेल्फ एंड आई थिंक शी इज गोना डू अ गुड जॉब. मेरे को मुझे ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है बट फ्यू मेरी मॉम मुझे अपडेट देती रहती है क्या हो रहा है. बट आई थिंक मुनव्वर इज डूइंग वेरी वेल. या कुछ टाइम पहले सोंडूस ने एक स्टोरी पोस्ट किया था, कमेंट किया था यू नो कि ऐश्वर्या एज अ गेम ड्रामा क्वीन यू नो रियलिटी दिखेगा. नो आइडिया. मैं बहुत मेरे पास एक सेकंड का टाइम नहीं है कोई भी चीज़ देखने के लिए. बट देखो सबका अपना अपना एजेंडा होता है, सबका अपने अपनी फीलिंग्स होती है. तो आई थिंक वी शुड जस्ट लेट एवरीबॉडी डू व्हाट दे आर डूइंग. ओके मैम. मैम कौन सी प्रोडक्शन के द्वारा आपको नई फिल्म मिली है कुछ अगर आप बताएं? मैं आपको क्यों बताऊं? बट नहीं, बहुत सारा काम हो रहा है. झलक में आ रही हूँ, उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए सबका. शिव भी है. शिव की शूट अभी चल रही है. मेरी शूट अभी ख़त्म होकर मैं आई हूँ. एंड बहुत बहुत मेरी हालत देखो, आप भी पतले हो गए हो, मैं भी पतली हो गई हूँ. एंड हाँ बहुत तैयारियाँ हो रही है. साइड बाय साइड शोज़ के शूट भी चल रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रही हूँ, मूवीज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो बहुत सारा प्यार मिला है. एंड चलते रहे. अभी तक तो मैं कुछ रिवील नहीं करूँगी. आई थिंक आप सब लोग सिर्फ देखें और आई होप आप सबको अच्छा लगे और मुझे बहुत प्यार मिले. अभी तो एक ही हफ्ता फर्स्ट वीक वी आर शूटिंग. मुझे तो सब करना है, जो भी मेरा कोरियोग्राफर मुझसे कहेगा करने के लिए मैं सब करूंगी. आई विल बी अ वेरी गुड स्टूडेंट और मैं सब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे की तरह करना है. आई थिंक इवन इन खतरों जब मैं एलिमिनेट हुई थी शिव था मेरा कॉम्पिटिशन. एंड आई थिंक हारना है तो दोस्तों से हार के जाओ और जीतना है तो दोस्तों को ही हरा के जाओ. लास्टली ये जानना चाहेंगे मैम जिस तरह आपका ऑडिशन रहा है उसमें कोई अफेयर रानी का स्ट्रॉन्ग रहा है कि नहीं अब तक ऑडिशन में? नहीं नहीं आपके झलक दिखला जाके ऑडिशन में ऑडिशन जो भी डांस पे पैक किया उसमें? नहीं नहीं नो नो झलक ऑफ गायत्री इन झलक. बट सिर्फ अंजलि दिखाई देगी वहाँ
इन अ न्यू अवतार, जैसे आप लोग ने मुझे नहीं देखा है. सो आई होप एवरीबडी लव्स इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनी भैया. उनको तो बड़ा वन ऑन वन नहीं, अभी साथ में करो ना यार. हाँ वेलकम टू द गार्डन व्हिच इज पेपल बाय मैरियट. कैसी लग रही है आपको यहाँ से? आपने जस्ट एंटर किया, डेकोरेशन किस तरह की वाइब है क्या? आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल राइट गाइज. इट्स अमेजिंग व्हेन वी जस्ट एंटर्ड. आई थॉट इट वॉज द अदर बिल्डिंग बट व्हेन आई केम हियर आई वॉज लाइक ओ वाओ दिस इज टोटली एग्जॉटिक. इट लुक्स ब्यूटिफुल. वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे हैं. So I'm pretty excited to go in and see what's in store for us. It's a beautiful wedding season feel. Yeah. It's a very nice big place I would say, and it's lovely. Yeah. Ma'am, lastly jana chahiye kya aapka upcoming project, aapka event, aapka ma'am? Meri ek film jiska ek chhota sa hissa main hu aa rahi hai. Archie's naam ki film jo Zoya Akhtar ne direct ki hai wo aa rahi hai December mein. So I'm looking forward, and everybody is looking forward. So let's see, fingers crossed. Sir, aapka? Well, mera to abhi kumkum bhagya chal raha hai, and I'm going to start a new web series next month. Mithya, jo ki Z5 pe bahut hi popular show raha hai, uska season 2 hone ja raha hai. So I'm going to be a part of Mithya 2 as well. So excited about that. वो तो हमें भी नहीं पता है, बट हमें बोला गया कि अब लीप लेने वाले हैं वो लोग, और लीप के बाद क्या होगा नो वन नोस. सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का डेकोरेशन है? वेल एज आई सेड कि वेडिंग सीजन का फील आ रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी में आए हैं. एंड इट्स रियली वेल डन, रियली वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आई मस्ट से, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. अब देखते खाना कैसा है. We are excited about the food. Thank you so much. अरे कितने साल हो गए, मैं सीजन 6 में थी, अब ये क्या है सीजन 17, अब तो पीछा छोड़ दो भाई. हाँ हाँ, मैंने अभी देखना शुरू नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम लोग थोड़ा सा एक आध डेढ़ महीना जाने देते हैं, फिर जब बस होता है शो का तब देखना शुरू करते हैं. दिस ईयर आई डोंट नो दिस, आई मीन आई नो अंकिता, बट आई एम नॉट लाइक यू नो. सो हु एल्स इज देयर दिस ईयर? रिंकू इज देयर, रिंकू करमरकर इज देयर. Yeah, so thank you, well, yeah. Thank you.
आई विश यहाँ पे असली की शादी होती है तो मैं मम्मी को भी लेके आई, डांस करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ एक्चुअली गाना अच्छा है, ऐसे गाने ज्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं आजकल ना, ये पुराने दिस वाज लाइक ओल्ड इज गोल्ड सॉर्ट ऑफ। जैसे कि सबको पता है मेरे फैंस को, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल इज़ कंप्लीट एंड थर्ड शेड्यूल करने मैं अभी जा रही हूँ नवंबर में फर्स्ट वीक, सो दैट्स इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माय मदर इज़ हियर और आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम आई कुड ब्रिंग माय मदर विद मी एंड शी इज़ हियर फॉर लाइक सिंस इट्स अ मंथ एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग हर कंपनी हियर, आई वाज मिसिंग हर डियरली। दो जख्म है जो थी जो आप सबको पता है, आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया फॉर टू जख्म है सीजन वन सीजन टू, पीपल आर आस्किंग फॉर सीजन थ्री ऑल्सो एंड एम एक्स प्लेयर एंड जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है बियॉन्ड, एवरीबडी इज सो सो थ्रिल्ड कि ऐसा एक एपिक वेब शो हम लोग बना पाए कि लोगों को बहुत पसंद आया एंड आई एम श्योर। आपको अच्छा लगा मम्मी? बिल्कुल अच्छा लगा, अभी एक साल फिल्म करी है। हाँ मम्मी बता रही।